पर आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि टारगेटेड ऑडियंस से आपको ट्रैफिक कैसे लेके आना है, मैनुअल मेथड में आप खुद से कैसे भेज सकते हैं, कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करना है, जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम कोरा है, कैसे उसका यूज करना है, कैसे उस पर आर्टिकल पोस्ट करने हैं, कैसे उसमें लिंक डालने हैं, ए टू जेड चीज आपको इसमें लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक नहीं हो। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि भाई मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, इससे कुछ नहीं होता या फिर इस पर ट्रैफिक नहीं आता, अब इसमें क्या करना है। तो भाई कहीं पे भी जाकर अगर आप कचरा फैलाएंगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो रेडिट हो, फेसबुक हो, टम्बलर हो, कोई सा प्लेटफॉर्म, ट्विटर हो या फिर कोई सा भी हो। आपको पूरी तरह से अच्छे से कैसे यूज करना है उसको मैं अपने लाइव सिस्टम में चलकर दिखाऊंगा। मेरी भी एक नई वेबसाइट है, मैं भी उस पर चाहता हूँ ट्रैफिक आए बिना ब्लॉक किए, बिना किसी तरह कोई इशू है, तो वो मेथड में जो फॉलो कर रहा हूँ वो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ लाइव और आपको दिखाऊंगा भी, और मुझे इससे ट्रैफिक भी आने लगा है, तो उसको आप पूरी तरह से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। पिछली वीडियो मैंने भी कहा था कि एक शीट बनाइएगा आप लोग, जिससे कि आपको ट्रैक करने में आसानी होगी कितना मैंने कहाँ काम किया, उससे कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स में आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म से कितना ट्रैफिक आ रहा है। अगर आपने लिख के रखा है कि इस प्लेटफॉर्म मैंने इतने क्वेश्चन आंसर किए हैं या फिर इस प्लेटफॉर्म पे इतना शेयर किया है तो इतना ट्रैफिक आ रहा है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फोर्स कर सकते हैं, ज्यादा अपना ये लगा सकते हैं, ताकत लगा सकते हैं, ताकि आपको जो है वो ट्रैफिक वहां से ज्यादा आए। जिन लोगों ने एक्सेल शीट नहीं बनाया वो सीरियस नहीं है ब्लॉगिंग में, या फिर वो सीरियस नहीं है ट्रैफिक लेके आने में, तो भाई नहीं बनाया तो बना लो। अगर आप ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं अपनी नई वेबसाइट पे तो इन चीजों को करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ट्रैफिक नहीं आएगा, और इन ट्रैफिक आने में 3 से 6 महीने लगते हैं, उतने देर में आपका मोरल खत्म हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो गए चले जाओगे। तो चलिए चलते हैं बिना समय बर्बाद किए सिस्टम पे, देखते हैं कि कैसे आप उसको यूज करेंगे कोरा को, ताकि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आए और आपका अकाउंट ब्लॉक भी नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे, देखते हैं लाइव। तो दोस्तों आ गया हूं मैं अपने कोरा के अकाउंट में, यहां पे आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको कोरा का सही से इस्तेमाल करना है, प्रॉपर यूज करना है, ताकि आप जो है वो बैन नहीं हो, आपके अकाउंट को बैन नहीं किया जाए, फिर आपके आंसर को डिलीट नहीं किया जाए। बहुत ही अब ध्यान से यूज करने वाली चीज है, क्योंकि कोरा जो था पहले बिल्कुल फ्री था, ब्लाइंडली लोग कुछ भी करते थे, इवन हम लोगों ने बहुत यूज किया इसका। अब क्या है कि अब सीन बदल गया, अब पहले जैसा नहीं है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि क्या है इसमें। आप अगर जाएंगे मेरी प्रोफाइल में, मैं आपको प्रोफाइल खोल दिखाता हूं, यहां पर जब खोलिएगा प्रोफाइल में जाइएगा तो आप अपने प्रोफाइल को प्रॉपरली अरेंज कीजिए। प्रॉपरली अरेंज करने मतलब क्या है कि इसमें अपने बारे में लिखिए और जो आपके वेबसाइट्स के लिंक हैं उनको यहां पर डालिए। जैसे कि मैंने अपने वेबसाइट का लिंक डाला है, कुछ आर्टिकल के लिंक डाले हैं, कैटेगरी वाइज लिंक डाला हुआ है, ताकि किसी भी चीज को बंदा क्लिक करके जा सके। यहां पर यूट्यूब चैनल का लिंक डाला हुआ है, तो आपको अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ताकि कोई आए तो ये करे, ये क्या बोलते हैं, ट्रस्ट करे और आपके स्टैटिस्टिक को देखे, क्योंकि बंदे आएंगे देखेंगे, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक नहीं होगा, ठीक है। पहला आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, सपोज कि मैंने अभी आंसर किया है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कुछ घंटों पहले भी किया है, रात को मैंने किया था, आपके जाए अगर आप जाएंगे योर कॉन्टेंट के अंदर तो आपको दिखाई देगा ये सारे कॉन्टेंट जो मैंने रात को, लगभग कल रात को मैंने पोस्ट किए थे, ठीक है। अभी आप देखिए कि इन सवालों के जवाब जो मैंने दिए हैं कि आउटबोर्ड लिंक्स क्या होते हैं, अगर सबको आप खोलते हैं तो आप देखिए इस सवाल के आंसर मैंने किया हुआ यहाँ पे, लास्ट में ये लिखा है कि आई होप दिस आंसर वॉज यूजफुल फॉर यू, इफ यस डू अपवोट एंड विजिट माई ब्लॉग फॉर मोर डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अभी अपवोट करने से क्या होता है, लोगों का एक साइकोलॉजी होता है कि अपवोट देखते हैं तो उनको पढ़ते हैं, फिर विजिट करते हैं, तो लोगों को प्रोवोक कीजिए ताकि अपवोट करेगा उनको सही लगा है तो फाइन। अब यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है ये मेरे ब्लॉग का लिंक नहीं है, ये इंटरलिंकिंग है, कोरा टू कोरा पे लिंकिंग। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे, यानी कि मैं लोगों को अपने प्रोफाइल में भेज रहा हूं, ना कि अपने एक्सटर्नल लिंक पे भेज रहा हूं, क्योंकि एक्सटर्नल होगा तो डेफिनेटली इसको या तो लिंक हटा देगा, पुरानी प्रोफाइल तो लिंक हटा देगा, या फिर लिंक को डिसेबल कर देगा, या तो वर्स्ट केस में ज्यादा हुआ तो वो अकाउंट ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो आपको जो है अपने वेबसाइट अपने आंसर के अंदर आपके प्रोफाइल पे भेजना है, ताकि प्रोफाइल में आके बंदा जो है वो आपकी वेबसाइट पे आए क्लिक करे, ठीक है। ये दो चीज़ जो आपको मेजरली ध्यान देना है इसमें, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है आज के डेट में, वरना अकाउंट सच में ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अभी तक का स्टैटिस्टिक जो है मेरा, अगर आप देखेंगे स्टैट्स, तो मैं इसमें लगभग 2 साल से हूँ, और पिछले 2 साल में ऑल टाइम का अगर मैं देखता हूँ तो लगभग 90,700 व्यूज़ हुए हैं इसमें, और 90,700 व्यूज में पहले जो था मैं इसमें फिटनेस से ब्लॉग जो मैं करता था, फिटनेस का जो मेरे पास ब्लॉग था उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक ड्राइव किया था मैंने, बहुत ही मतलब महीने का 1,000-1,500 ट्रैफिक आराम से आता था सिर्फ कोरा से। उस समय इसका पावर मुझे पता चला था कि कोरा का इंपॉर्टेंस है, नो डाउट, लेकिन उस समय ब्लाइंडली लिंक सभी क्वेश्चन में डालते थे हम। अभी क्या है, आप लिंक नहीं डाल सकते, तो क्या आपको कि जो है आपका स्टैटिस्टिक जो है वो बताएगा कि आप कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं, और पिछले 3 महीने में या 1 महीने में या फिर 7 दिन में कितने लोगों ने उसको देखा है, और कितना वोट मिला, कितने लोगों ने शेयर किया आपके आंसर को, ठीक है। तो यहां पे उसको ट्रैक कर सकते हैं हम बकायदा,
तो आपको अपने स्टैटिस्टिक पे पूरा फोकस करते रहना देखना है। ये दो चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज क्या है कि स्पेस जो नाम करके एक इंट्रोड्यूस किया गया है, स्पेस पहले भी था लेकिन अभी जो है इसका अलग ये हो गया। अभी आप स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे स्पेस यहाँ दिखाई देंगे। स्पेस इज नथिंग बट ए ग्रुप, एक तरह का ग्रुप है। आप जो भी ग्रुप चाहे आप ढूंढ भी सकते हैं और डायरेक्टली स्पेस में जाके आप सर्च भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी मेरे केस में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ, दिस दैट से स्पेस को अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये सारे लोग जो है इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है और यहाँ पे फॉलोअर्स बने पड़े हैं। ठीक है, अगर आप फॉलोअर्स को देखते हैं तो सभी में अच्छे खासे फॉलोअर है, 1,000, 1,40,000 सभी फॉलोअर्स हैं। अगर आप इस ग्रुप को खोलिएगा, सपोज कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई ग्रुप खोलते हैं हम लोग, अभी ब्लॉगिंग हेल्प का मान लो ग्रुप 3,000 इसमें लोग हैं, चलो ये 40,000 वाले खोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग को। अब इस ग्रुप को आप खोलते हैं, ये स्पेस को खोलते हैं, तो यहाँ पे एक फॉलो का ऑप्शन है, फॉलो कीजिए आप पहला चीज, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कोई कुछ डालता है तो। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा, पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा और क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा। आप इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं लोगों से, पोस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपने लिंक को भी डाल सकते हैं। लिंक बोले तो कैसे डालना है आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप डालते हैं तो इस सबसे पहले जाएगा इस अप्रूवल के पास, जो इस ग्रुप का ओनर होगा उसके पास अप्रूवल में जाएगा। तो जेन्युइन कंटेंट होगा तो डेफिनेटली अप्रूव होगा, क्योंकि लोगों के कंटेंट जो है यहाँ पे अप्रूव हुए हैं और लोगों ने जो है इसका यूज किया है। ये ऐसे तो एडमिन का ही है, बाकी जैसे यहाँ पे इन्होंने भेजा तो इसका अप्रूव हुआ है। तो आप देखिए कि किस पे लोगों का अप्रूव हो रहा है, ये भी अप्रूव हुआ है, ये भी अप्रूव हुआ है, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं लोगों ने, आंसर भी किए इसके। ठीक है, अब इस पे आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना लिंक डाल सकते हैं साइट का। तो सपोज कि ये वाली मेरी लिंक है, इसको मैं यहाँ पे पब्लिश करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे लिंक डाल देना है और कुछ नहीं करना, बस ऑटोमेटिक ये फेच करेगा आपकी वेबसाइट से और यहाँ पे सबमिट कीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे ये जाएगा, ये सबमिशन इज सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे एक आएगा कि आपका जो सबमिशन है वो पेंडिंग रिव्यू में है। जैसे रिव्यू खत्म हो जाएगा, अगर वो सब कुछ जेन्युइन रहा, सही रहा, तो वो डेफिनेटली जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, पहला चीज। दूसरी चीज, आप यहाँ पे पोस्ट लिख सकते हैं, कुछ भी कॉन्टेंट जो यूनिक कॉन्टेंट, ढंग का कॉन्टेंट है वो टाइटल लिख के प्रॉपरली उसको यहाँ पे लिखिए, और उसमें जो लिंक जो डालना है अगेन यहाँ पे आपको अपने एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक ना डाल के आप अपने प्रोफाइल का लिंक ना लिए, ताकि लोग आपकी प्रोफाइल पे आपकी प्रोफाइल को विजिबिलिटी मिले, आपकी खुद की ब्रांडिंग हो, लोग आपको जाने। ठीक है, तो ये दो चीजें करनी है। क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टोटली डिपेंड ऑन यू। क्वेश्चन पूछने में भी दो चीजें हैं, यहाँ पे आप नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यहाँ पे एक लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे लिंक जो है आप ट्राई कीजिए डालने का, अगर पॉसिबिलिटी है तो चलेगा, नहीं तो हो सकता है अवॉइड कीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कोरा में जाके स्पेस में आप पार्टिसिपेट करना है, और आप जो आंसर लिख रहे हैं उसमें आपको अपने प्रोफाइल का लिंक डालना, और प्रोफाइल के अंदर आप अपने सारे लिंक को शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन है, अगर आप ऐड क्वेश्चन पे करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज मिलेगा। यहाँ पे पब्लिक रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, एनोनिमस लिमिटेड, जो भी है ऑप्शंस मिलेंगे आपको। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, विच शुड बी स्टार्ट विथ वाई, हाउ एंड वॉट, मतलब लगे यहाँ क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से आपको फ्रंट पेज पे, कहीं कोरा के फ्रंट पेज पे, तो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने जो है वो URL भी डाल के रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ लोगों ने URL डाला हुआ है, ये किसी के अपना पर्सनल URL है, तो यहाँ से भी अगर कोई क्लिक करता है तो वो उसकी साइट पे जाएगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि अब जिसने डाला है इसकी प्रोफाइल को आप खोलिए, जिसने भी डाला है इसको खोलिए, उसकी प्रोफाइल में जाइए, देखिए कि बंदा है कौन और डाला क्या है, इसका क्या रेपुटेशन है कोरा में, तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत जो है इसमें लिंक विंक डाल सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि ऐसे लिंक मत डालिए जैसे कि यहाँ पे भी लिंक डाला हुआ है, जिससे कि आपके ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा हो और आपको खतरा हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहला आपको आपका प्रोफाइल को सॉलिड बनाना है। ब्लॉक का ऑप्शन पहले यहाँ पे आता था पोस्ट, जो कि अब आप हटा दिया गया, आप अपने एंड से इंडिविजुअली पोस्ट नहीं कर सकते हैं। पहले क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन आता था यहाँ पे, उसको स्पेस में मूव कर दिया गया, आप वहां पे पोस्ट कीजिए आप जाके। ठीक है, तो ये तरीके आपको आजमाने हैं इसमें कोरा से ट्रैफिक निकालने के लिए। ट्रस्ट में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लगभग 500 मिलियन से ज्यादा इस पर रोज का ट्रैफिक है, सॉरी महीने का ट्रैफिक है। तो आप अगर सही से यूज करते हैं तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक जो है यहाँ से मिलेगा, फॉर श्योर 110% मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, किसी तरह कोई डाउट हो तो बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे नया कॉन्सेप्ट, जो कि हेल्प करेगा आपको अच्छे से ब्लॉगिंग सीखने में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।